सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए बेरोजगार। विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी नौकरी रोजगार और तमाम मुद्दे लेकर खड़ी है। आपको हम बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो मौजूदा है उसको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए सुनते हैं राबड़ी देवी को क्या कुछ बोल रही हैं। सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए बेरोजगार। रोजगार लोग का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा सरकार को? सरकार का लपटती है, जनता वोट देता है। रोजगार दो और जो पुराना पैटर्न था आरक्षण का वो लागू करो, कोई बदलाव नहीं होगा। सिपाही भर्ती को लेकर भी आप लोगों ने कुछ कहा है, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो अभी सुधार किया है वो गलत है, जो आरक्षण का है और वो सब है वो रहना चाहिए। रवि जी एक बार फिर से नीतीश कुमार पूरे बिहार भर की यात्रा पर निकल लिए ना, तो आपने देखा राबड़ी देवी किस प्रकार से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, अपने समर्थकों के साथ खड़ी थी और जो मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, सभी मुद्दों पर अपनी बातें रखते हुए राबड़ी देवी ने सरकार पर हमला बोला है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।